हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बता दें कि बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जितने भी बिहार के होमगार्ड जवान हैं उन सभी को बिहार सरकार मानदेय के रूप में जो भी राशि अभी दे रही है उससे बढ़कर के आप लोगों के हित में केंद्र सरकार ने सोच रखी है। बता दें कि बिहार सरकार को पत्र जारी हो चुका है और उनको समझाया गया है कि जो भी मतलब केंद्र सरकार का एक नया नियम बना है, जिस नियम के दायरे में होमगार्ड जवानों को सबसे पहले लाया जा रहा है, जिससे होमगार्ड जवानों के परिवार सहित उनके बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि केंद्र सरकार भी जानती है, बिहार सरकार भी जानती है, तमाम राज्य के जितने भी सरकार हैं वो सभी जानते हैं कि होमगार्ड जवानों की अहमियत क्या है। जहाँ पे बिहार पुलिस या फिर कोई राज्यकर्मी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ पे चिलचिलाती धूप में बिहार के होमगार्ड जवान या फिर कोई राज्य के होमगार्ड जवान जो है लगातार अपना सेवा देते रहते हैं। लेकिन इन सभी बातों को मौजूदा सरकार अंडर एस्टिमेट कर रही है, जिसका वजह है कि सरकार को, केंद्र सरकार को इसके लिए सामने आना पड़ा है और आप लोगों के हितों में बहुत बड़ा ऐलान किया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, जितने भी बिहार के होमगार्ड जवान हैं, क्योंकि ये पत्र जो है अभी बिहार के लिए ही जारी किया गया है। जैसा कि हमारे पास रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट के हिसाब से बताएंगे तो आप लोग जो है खबर में बने रहे। एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि जितने भी बिहार के ही नहीं, जितने भी राज्य हैं उनके जो है होमगार्ड जवान जो है लगातार अपना सेवा, अहम भूमिका अच्छे तरीके से निभाते हुए काम करते हैं, जिसके मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने कानून बना दिया है कि जो एक दिन भी काम करेंगे उनको जो है पीएफ के दायरे में रखा जाएगा। मतलब कि ईपीएफओ और ईएसआई, ये क्या कहते हैं आप लोगों को, जीवन सम्मान निधि के तौर पे इससे जोड़ने के बाद आप लोगों को काफ़ी जो है मतलब आप लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा। जैसे आप लोग को रिटायरमेंट आप लोग जैसे होंगे तो उसमें आप लोगों को मोटी रकम मिलेगी, जैसे आप लोगों को पेंशन भी चालू हो जाएगी ईपीएफओ के तरफ से। कुछ पेंशन जो है जो भी आप लोग उसमें आप लोगों के कटेंगे, जितना आप लोगों के सैलरी से कटेंगे उतना ही आप लोगों को जो है मतलब राज्य सरकार से भी उतना कंट्रीब्यूट आप लोगों के अकाउंट में दिया जाएगा। जितना आपके सैलरी से मतलब आप लोगों के सैलरी से 1800 रुपये कटते हैं तो उतना अनुदान जो है राज्य सरकार भी आप लोगों को खाता में जो है अपने तरफ से जोड़ेगी। मतलब 1800 रुपये आपके कटेंगे, 1800 रुपया जो है राज्य सरकार देगी, मतलब कुल मिलाकर के आप लोगों को 3600 रुपये के लमसम में कटेंगे। तो आप लोगों को हम बता दें कि जब आप लोग चाहें कि अगर बीच में इसको विड्रॉ करना चाहेंगे किसी कारणवश, मजबूरी बस, तो आप उसको बीच में भी जो है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप लोगों को रिटायरमेंट के समय में सभी राशि को जोड़ करके दिया जाएगा, यहाँ तक कि आप लोगों को जो है पेंशन के रूप में भी कुछ रुपया जो है देखने को मिलेगा, जिससे आप लोगों के उज्ज्वल भविष्य के लिए सरकार की जो ये योजना है इससे आप लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है। तो रिपोर्ट में क्या कुछ है आपको हम अभी बताते हैं, आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए कि बिहार के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर है। अगर प्रदेश सरकार की ओर से हरी झंडी मिलती है तो इनके भी खाते में पीएफ जमा होगा। इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर पीएफ की खूबियां गिनाई गई है। मतलब कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार के तरफ से एक पत्र जारी किया गया है, जिसके माध्यम से आप लोगों को जो है पीएफ के दायरे में लाने से क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है इसको लेकर के बिहार के सरकार से चर्चा की गई है, जिसमें होमगार्ड जवानों को सबसे पहले प्राथमिकता दी गया है। बता दें कि ईपीएफओ के क्षेत्रीय आयुक्त विश्वजीत सागर ने कहा, कानून के अनुसार एक दिन का रोजगार करने वाले भी पीएफ के दायरे में आते हैं, ऐसे में होमगार्ड जवानों को पीएफ का फायदा मिल सके इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार को पत्र लिख करके पीएफ के फायदे गिनाए गए हैं और इसको जल्द से जल्द लागू करने के लिए प्रदेश में सिफारिश की गई है। आशा है कि केंद्र सरकार के इस कानून से बिहार सरकार पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी बिहार में भी इलेक्शन होना है, इसको मद्देनजर रखते हुए जो है इस पर काम जारी रहेगा। तो आप लोग खबर में बने रहे, पल पल की अपडेट खबर हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई खबर में, क्या कुछ इस पर अपडेट आता है फिर आप लोगों को हम बताएंगे। तो तब तक के लिए आप लोग जो है खबर से बने रहे, फिर मिलते हैं एक नई खबर में, तब तक के लिए देखते रहिए वर्ल्ड रिपोर्ट।